तो मैंने स्ट्रिंग की दो वीडियोस इसमें डाल दी है उसके बाद 24 के बाद दो वीडियो 26 तक मैंने डाल दिया है इसमें स्ट्रिंग के प्रोग्राम है कुछ ट्वेंटी वाली में और ट्वेंटी वाली में कुछ फंक्शन है जैसे इज एलम है लोअर है अपर है और इज लोअर इज़ अपर स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप स्टार्ट और एंड ये सब है इसमें तो ये देख लेना अगर इसको देखना है और इसके बाद की जो वीडियोस है वो मैं अब बना रहा हूँ तो अभी स्टार्ट करते हैं उसमें तो इस वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन ऑफ टेक्स लेनी है और हर वर्ड को एक नई लाइन में प्रिंट करना है साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि कितने वर्ड हैं उस लाइन में तो अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल इसने जैसे ले रखा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग तो इसमें हर लाइन का अलग अलग करें तो वेलकम फिर टू फिर पाइथन प्रोग्रामिंग और कितने वर्ड हैं हमारे पास चार वर्ड हैं टोटल गिनती के तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ इस प्रॉब्लम को करना क्या हमें वर्ड uh, को प्रिंट करना तो कैसे वर्ड को आसान है इन्होंने स्प्लिट का यूज कर रखा है तो अभी हमने स्प्लिट नहीं पड़ा तो हम स्प्लिट में नहीं जाएंगे ठीक है बाद में देखेंगे कि स्प्लिट क्या होता फिलहाल लॉजिक इसका आसान ही है हमें हर वर्ड को वो करना है अब हर वर्ड को कैसे जज करते हैं ये बताओ इसमें हर वर्ड को जज करने का तरीका यही होता है कि ये वर्ड खत, ये पूरा वर्ड है इसके बाद क्या आ रही है स्पेस आ रही है तो ये खत्म हो जाता है हमारा वर्ड ये एक वर्ड हो गया फिर मैं यहाँ से इसका लॉजिक ये होगा कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा फिर मैं ये देखूंगा कि भाई स्पेस तो नहीं आ रही जैसे ही स्पेस आएगी मैं उसको ख़त्म कर दूंगा और आ, स्पेस आएगी खत्म कर दूंगा और इसको प्रिंट कर दूंगा ठीक है फिर ये आगे चल लूँगा यहाँ से यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही आगे चलता रहूंगा जैसे ही स्पेस आएगी ख़त्म कर दूंगा ये प्रिंट हो जाएगा और खैर लास्ट में तो एंड एंड ऑफ लाइन होता है तो उसको मैं एंड ऑफ उसकी तरह ट्रीट करूंगा उस वर्ड को और उसको प्रिंट करा दूंगा तो लॉजिक यही बैठा कि भाई जैसे ही स्पेस आ रही है उसमें मैं इसको ले लूंगा प्रिंट करा दिया आगे बढ़ा ठीक है जो जो आ रहा है आने दो तो। स्पेस आ रही है ठीक है मैं इसको एक साथ ले लूंगा प्रिंट करा दूंगा जैसी स्पेस आएगी एक और चीज हमें करनी है काउंट को बढ़ाना है काउंट हमारा जीरो है जैसी स्पेस आई ये एक वर्ड हो गया हाँ भाई ठीक है काउंट हमारा वन हो गया आगे बढ़ा ठीक तो आन है आने दो आने दो स्पेस आई इसको मैंने एक वर्ड कंसिडर कर लिया ठीक है प्रिंट करा दूंगा काउंट को मैं बढ़ा दूंगा आखिरी तो वर्ड होता ही है आखिरी में स्पेस तो आनी नहीं कोई ठीक है इसको मैं एक साथ रख दूंगा स्पेस होगी नहीं कोई तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा और हमारा काउंट हो जाएगा थ्री इसका लॉजिक तो यही है इतना सा है स्पेस का फंडा है तो इसको एक बार कोड करते हैं इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कमेंट के साथ कि ये करना क्या स्ट्रिंग मैंने स्टार्ट कर दी है अब मैं क्या करूँगा फॉर हमें पता हो, एक इट्रेशन लूप तो लगाना ही पड़ेगा जिसमें को ट्रैवर्स करना है स्ट्रिंग को वो तो हम कर ही रहे हैं फॉर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे वर्ड बना दे दूँगा वर्ड क्या होगा हमारा वर्ड शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ठीक है अब हम कह रहे हैं वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस आई ठीक है इसमें एक ये डाल देते हैं इफ हमारी क्या कंडीशन थी अगर अगर स्ट्रिंग वन का आई अगर खाली है खाली है तो शुरू में मैंने काउंट भी कहा था तो एक काउंट भी ले लो काउंट जीरो है ठीक है अगर ये खाली है तो हमें एक वर्ड भी बनाना पड़ेगा प्रिंट वर्ड रुको वर्ड बाद में बनाएंगे पर अगर करना क्या है खाली है तो प्रिंट कर दो वर्ड और काउंट को भी बढ़ा दो ठीक है जी काउंट को भी बढ़ा दिया काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन एल्स खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसे होता है एल्स खाली नहीं है तो हम कह देंगे कि भाई वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस जो भी आ आ रहा है आने दो स्ट्रिंग वन आई जो भी आ रहा है आने दो स्ट्रिंग वन का आई ठीक है तो हो क्या रहा है पहले w आया तो w खाली नहीं है ठीक है जी तो यहाँ जाएगा एल्स में चले जाएगा तो वर्ड क्या बन जाएगा वर्ड खाली था शुरू में उसमें आ जाएगा स्ट्रिंग वन का आई यानी कि w आ जाएगा फिर E आ जाएगा ऐसी एल आ जाएगा सी आ जाएगा ओ आ जाएगा एम आ जाएगा ई e आ जाएगा ई e तक आ गया ठीक है जी उसके बाद स्पेस आ गई प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे प्रिंट हो गया काउंट को मैंने बढ़ा दिया वन हो गया फिर आया यहाँ पे हमें वर्ड को खाली भी करना पड़ेगा ठीक है तो मैं खाली करता हूँ क्योंकि हम कहेंगे कि नए सिरे से चलाओ जैसे ही आपका खाली हो जाता है इसको नए सिरे से चला दो तो। मैंने प्रिंट कर लिया हमारा काम हो गया हम कह देंगे कि भाई ठीक है तुम अब नया वर्ड बनाने लगो मैंने बनाने लग गया फिर हमारा आ जाएगा काउंट आ गया वन ठीक है पहला हो गया वेलकम हो गया काउंट आ गया वन ठीक है जी अब मैं टी पे जाऊंगा अब नए सिरे से चल गया था हमारा यहाँ ऊपर इफ पे ठीक है जी नए से आ गया था तो अब वर्ड इक्वल टू नए सिरे से चल रहा है और आ जाएगा इसमें टी फिर क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा टी ओ ठीक है जी अब ये खाली आ गया तो ये खाली आ गया इसको प्रिंट करा दिया हमने ठीक है इसकी थोड़ी मैंने रेंज थोड़ी गलत कर दी थी तो उसको मैं सही कर देता हूँ एन इक्वल टू लेंथ फंक्शन होता ही है हमारा उसमें स्ट्रिंग वन डाल दूंगा ये डाल दी मैंने और इसमें मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाई ज़ीरो से चलाओ और उसका एन ले लिया ठीक है ये तो कर दिया चलो ठीक है तो हम टू पर आ गए थे टू हमारा बन गया था फिर जैसे ही खाली आया प्रिंट करा दो पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ था पहले जो हो रखा है वेलकम हो रखा है वन हो रखा है अब आया टू टू को प्रिंट कराओ ठीक है जी वर्ड को कर दो खाली भाई आगे चलो काउंट को पर बढ़ा दो काउंट वन था तो उसको मैंने कर दिया टू ठीक है जी अब नए सिरे से चलना है जैसे पी आएगा पी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैंने बनाना शुरू किया पी वाई टी पाइथन पूरा हो गया ठीक है जैसी फिर ये यहाँ पे चले आएगा यहाँ जैसी यहाँ आ जाएगा यहाँ चले आएगा प्रिंट क्या होगा चलो जी पाइथन करा दिया मैंने पाइथन हो गया ठीक है अब वो कह रहा है कि खाली कर दो नए सिरे से चलो काउंट को बढ़ा दो थ्री ठीक है जी वेलकम टू पाइथन हो गया एक रह गया प्रोग्रामिंग फिर नए सिरे से चलेगी प्रोग्रामिंग पूरा बनेगा यहाँ पे क्योंकि खाली तो है नहीं प्रोग्रामिंग पूरा यहाँ बन जाएगा बन गया ठीक है खाली नहीं आई अपर खाली नहीं आई हमारे पास वर्ड रह गया हमारे पास ठीक है तो हमारे पास वर्ड रह गया तो इस कंडीशन में वो जाएगा ही नहीं कभी जाएगा ही नहीं पर हम ले जा सकते हैं उसे हम कैसे ले जा सकते हैं और कर सकते हैं आ, आ, फिर वो वाला ईफ एल्स वाला फंडा आ जाएगा आ, 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 बट सही चलेगा मेरे हिसाब से अगर मैं और कर दूँ यहाँ पे बट वो वाली स्ट्रिंग नहीं आ पाएगी चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं वो जी नहीं आ पाएगा तो जी को भी लेना है हमें ठीक है तो एंड में हमें पता है कि हमारे पास जो वर्ड है हमने खाली नहीं किया वो एल्स में जाएगा एंड में एल्स में वो यहाँ चले जाएगा वर्ड हमारे पास बन जाएगा प्रोग्रामिंग एंड में तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐसे में लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग ठीक है और एल्स में चला जाएगा लेकिन इसके बाद इटरेशन से बाहर आ जाएगा तो मैं एंड में बस ये करना होगा प्रिंट वर्ड जो भी रह गया भाई प्रिंट करा दो और, और क्या कहेंगे हम कि ठीक है वर्ड तो प्रिंट हो गया लास्ट वाला लेकिन काउंट को भी बढ़ा दो भाई लास्ट वाले को हमें करना पड़ेगा ऐसे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन ठीक है और प्रिंट करा दो काउंट को इसमें एक एक करके हमारे सारे वो प्रिंट हो जाएंगे जो भी वर्ड है सारे वर्ड प्रिंट हो जाएंगे और जो भी काउंट आएगा वो भी काउंट भी आ जाएगा ठीक है तो अब हमारे हिसाब से तो हो गया प्रोग्राम जो ये चाहते थे वो हमने कर दिया एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस वाले फंक्शन को कि सही चल रहा है कि नहीं तो सीधा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो सही चल रहा है हमारा जो हमने सोचा था जो भी हमने कोड किया था वो एकदम सही चल रहा है वेलकम आया फिर टू आया फिर पाइथन आया फिर प्रोग्रामिंग आया प्रोग्रामिंग यहाँ एंड में आया बस ये फ़र्क है कि पाइ प्रोग्रामिंग जो आएगा हमारा वो यहाँ आएगा प्रिंट यहाँ होगा और जो लास्ट वाला काउंट है वो यहाँ पे अपेंड कर देंगे यहाँ पे हमारा फोर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा फोर तो सही चल गया हमारा जो हमने सोचा था उसके हिसाब से हमारा कोड चल गया एकदम सही आ गया तो इसमें मैंने ये वाली कंडीशन पहले लिखी क्योंकि ये इसी के बेसिस पे हम अपना वर्ड बना रहे हैं खाली खाली स्ट्रिंग के बेसिस पे तो ये वाली कंडीशन इसलिए पहले लिखी गई है लेकिन जो वर्ड बनेगा हमारा तुम्हें ये लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में तो वर्ड ही खाली है वर्ड खाली है कैसे आएगी तो स्टार्टिंग में हमारा क्या खाली आ रहा है नहीं आ रहा खाली खाली नहीं आ रहा तो वो इसमें जाएगा ही नहीं कभी स्टार्टिंग में जाएगा ही नहीं वो सीधा एल्स में चले आएगा ये मैंने इसलिए शुरू में ऐसे लिख दिया था कि मुझे ये पता था कि भाई जैसे ही खाली होगा ना मेरे पास वर्ड रेडी होगा मैं वर्ड बनाने का कोड रेडी करूंगा बाद में लेकिन मैं पहले मुझे पता होगा कि मैं करके आ रहा हूँ मेरे को करना क्या होगा जैसे ही खाली आएगा मैं प्रिंट कर दूंगा उसको ठीक है ये मैंने बाद में लिखा था कि भाई नए सिरे से भी चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे के वर्ड भी देखने हैं और मैं काउंट बढ़ा दूंगा मुझे पता था कि मैं करने वाला हूँ लेकिन मुझे करना क्या है हर आइट्रेशन के लिए मुझे क्या करना है वो मैंने आगे लिखा था तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है काफियों को लेकिन सबसे पहले हमारे पास वर्ड खाली रहेगा ठीक है तो इसमें वो कभी जाएगा ही नहीं डब्ल्यू जो हमारा है वो इसमें जाएगा ही नहीं इस वाली कंडीशन में जाएगा ही नहीं वो इसमें चले आएगा और इसमें जैसे ही जाएगा वो हमारा वर्ड बिल्ड करना स्टार्ट करेगा पहले डब्ल्यू आएगा ठीक है डब्ल्यू आया ई e आया ई आ गया एल आया एल e आया सी आया सी आया ओ आया, आया।, आया वो आया एम आया ऐसे ही वर्ड बनाने लग गया ठीक है यहाँ पे हमारा वर्ड बन रहा है तो खाली वर्ड है नहीं हमारा अब हमारे पास फील्ड वर्ड है हमारे पास वेलकम आ गया ठीक है आ गया अभी कहेगा कि भाई खाली आ रही है ठीक है खाली आ रही है क्या करना है खाली आ रही है तो हमें प्रिंट कराना है मैंने प्रिंट करा दिया हमने कहा कि भाई नए सिरे से स्टार्ट करो कि भाई नया वर्ड बनाना है नए सिरे से स्टार्ट करो और काउंट को बढ़ा दिया ऐसे ही आगे जाएगा ये टी टी में चले आएगा टी में यहाँ नहीं जाएगा वो कभी ठीक है टी में कहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा वर्ड बनाएगा टी बनाएगा फिर उसके बाद ओ बनाएगा अब हमारे पास वर्ड रेडी हो गया यहाँ पे खाली आ आगे यहाँ पे खाली आएगा इसको प्रिंट करा देगा वर्ड को फिर नए सिरे से चलाना है तो इसको यहाँ पे खाली कर दिया और इसका काउंट बढ़ा दूंगा तो ये इसलिए करा मैंने ठीक है काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन मैंने क्योंकि कंडीशन मेरे पास एक यही थी वर्ड की कि वो खाली है तो मैंने इसकी कंडीशन लिख दी ठीक है लेकिन मैं वर्ड कहाँ बना रहा हूँ मैं वर्ड इसके अंदर बना रहा हूँ ये ध्यान रखो खाली से मैं काम ही नहीं कर रहा मैं इससे ही काम करूंगा जो हमारे पास वर्ड होंगे पहले हमारे वर्ड बनेंगे यानी कि पहले नीचे वाला चलेगा मेरे वाले केस में और बाद में ये वाला चलेगा जब वो खाली आएगा तब जाके वो प्रिंट होगा जब जब वो हमारे पास वर्ड रेडी हो जाएगा तब जाके होगा